2022 में उन्हें उसी साइकिल सुनौचिन पर ही शिवपाल जी विधायक हैं। छोटे भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन भैया सत्रह कहेंगे मर्यादित रहें। मैं तो जनता को बधाई दे रहा हूँ कि होश में आए, जोश में आए, और जोश में आने के बाद इन्हें हटाए गद्दी से। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बुधवार को शाजापुर में आयोजित निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आजम खान, अखिलेश यादव और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आजम खान के बारे में क्या कुछ बोल गए कैबिनेट मंत्री। आप तो पूरी बहुत सुपरफास्ट तरीके से तैयारी हो रही है, क्या दावा करते हैं आजम, जो रामपुर है उसमें बदलाव आएगा क्या? देखिए, रामपुर जो भी जैसा करेगा राजनीति में, जैसा जो करेगा वैसा जो भरेगा, ईश्वर की एक परिकल्पना है। कबीरदास ने कहा है कि जैसा जो करण वैसा भरण, तो जैसा जैसा जो किया होता निश्चित रूप से जनता है, इस देश में जनता ही मालिक है और हमारी सरकार जनता के द्वारा है, तो इसलिए आज के दिन में हम लोगों को सफलता मिली। वहीं जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीब आने पर सवाल किया गया तो संजय निषाद ने कहा कि सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला। परिवार के लोग हैं, उन्हें एक रहना ही चाहिए, और एक थे भी, 2014 में भी एक थे, 2017 में भी एक थे, 2019 में भी एक थे, 2022 में भी एक थे, कहीं अलग नहीं है। 2022 में उन्हें उसी साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही शिवपाल जी विधायक हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग नीतियों और सिद्धांतों पर काम करते हैं, सेवा के लिए राजनीति है, और हम लोग इसीलिए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हैं, कि जिनके साथ भेदभाव हुआ, षड्यंत्र हुआ, शिकार हुए, शोषण हुआ, ऐसे सभी जातियाँ, सभी मुसलमान भी आ गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है, तो आखिर मुसलमान जिसको वोट दिया, आखिर बदले में पाया क्या? गरीबी पाया है, इसलिए आज मकान तो उसे हम दे रहे हैं ना, हम उसे घर दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, उसको अनाज दे रहे हैं, जरूरत हुआ तो उसे, अगर खेती है तो उसे हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। कहीं भी किसी योजना में ये लिख के नहीं आए कि मुसलमान, हर एक धर्म, हर, तो इसीलिए हर एक जाति, हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव 2022 जीती है, तो उपचुनाव भी हर जगह जीतेगी। जैसे रामपुर आजमगढ़ जीता था, तो पुनः हम सभी उपचुनाव जीतेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव का काम करती है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय का ख्याल रखा गया है, मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर आवाज दिए गए हैं। योगी सरकार ने मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिसके बाद से बड़े पैमाने पर मछली उद्योग उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां भी तालाबों पर कब्जे की शिकायत आएगी उसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता पहले ही पैदल कर चुकी है, अब राहुल के पैदल चलने से कोई फायदा नहीं है, जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है। जनता ने उन्हें पैदल कर दिया है, चूंकि 70 साल में जनता को कुछ नहीं किए, तो मैं तो जनता को बधाई दे रहा हूँ कि होश में आए, जोश में आए, और जोश में आने के बाद इन्हें हटाए गद्दी से, अब पैदल हो गए, तो इन्हें अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक मुश्त सभी जाति, सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, और 2024 में भी सरकार हम लोग। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर उन्होंने कहा कि भैया को मर्यादित रहना चाहिए, उनका कोई भरोसा नहीं है। सुबह चाहे वह किसी दूसरी पार्टी के साथ चाय पीते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, और शाम को किसी और पार्टी के साथ डिनर करते हैं। शीर्ष नेतृत्व, जहाँ बड़े भाई हों, छोटे भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया सत्रह कहेंगे मर्यादित रहें, और वो आप काम बंद कर दें, जब सुबह कहीं और चाय पीते हैं, दोपहर को नाश्ता कहीं और करते हैं, शाम को कहीं और चले जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। और राजनीति में स्थिरता और मर्यादा बहुत जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि संजय निषाद शहर के रीति रोड स्थित मैरिज लोन में हो रहे निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे।